दुनिया भर में ऑर्गेनिक फूड के लिए लोगों में जागरूकता आई है। दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ये बात कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऑर्गेनिक खेती से आने वाले समय में देश के किसानों को काफी फायदा होगा। देश भर में अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाली लेबोरेटरीज प्रयोगशालाओं का एक जाला बुनने वाले जो ऑर्गेनिक भूमि का भी परीक्षण करेंगे और प्रोडक्ट का भी परीक्षण करेंगे कि ये ऑर्गेनिक है या नहीं है, और ये दोनों मान्यता प्राप्त संस्थाएं भारत ब्रांड से और अमूल ब्रांड से एक विश्वसनीय ऑर्गेनिक फूड पूरे देश भर में उपभोक्ताओं को देने का काम करें। जब आप ऑर्गेनिक फूड विश्वसनीय तरीके से सभी मानकों के अंतरराष्ट्रीय मानकों के पार होकर देते हो तो इस देश में अब बहुत बड़ा वर्ग है जो इसके लिए कीमत लेने के लिए तैयार है, और दुनिया में भी बहुत बड़ा वर्ग। बीजेपी में शामिल हुए झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन, रांची में हिमंत बिस्वा सरमा और शिवराज ने दिलवाई सदस्यता। सीएम पद से हटाने पर नाराज होकर पार्टी छोड़ी थी। जेएमएम के संस्थापक सदस्य रहे हैं चंपई सोरेन। 28 अगस्त को जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दिया था और अब बीजेपी में शामिल हो गए। इधर चिराग पासवान को लेकर आरजेडी ने एक बड़ा दावा किया है। आरजेडी ने कहा कि चिराग पासवान बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। आरजेडी के दावों पर चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष की तरफ से अफवाह फैलाई जा रही है कि एनडीए में नॉट ऑल इज वेल चल रहा है। श्री चिराग पासवान जी ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी पार्टी को बीजेपी तोड़ेगी, ये चर्चा है। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके पहले भी बीजेपी ने और जेडीयू ने मिलकर के श्री चिराग पासवान जी के बंगले में आग लगाई थी। अब श्री चिराग पासवान जी की पार्टी को कौन तोड़ेगा, क्या करेगा, बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा रहा है यही। उसी साजिश को हवा देने की सोच है जो 2021 में रची गई थी और जिसकी वजह से इन लोगों को लगा था कि शायद चिराग पासवान को ये लोग समाप्त कर देंगे, पर ना उस वक्त ये लोग चिराग पासवान को समाप्त कर पाए। और आज की तारीख में मजबूती से जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी एकजुट होकर ना सिर्फ हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़े बल्कि 5 सीट लड़े, 5 की 5 हम लोग जीते, 100% हम लोग का स्ट्राइक रेट रहा। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा में ईडी के एक्शन पर हंगामा हुआ है। भूपेंद्र हुड्डा ने ईडी की कार्रवाई को बदले की कार्रवाई बताया है। ये पुराना मामला है, मेरा इससे लेना देना नहीं, भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से ये भी कहा गया। अनिल विज का भूपेंद्र हुड्डा पर इस बीच आरोप है। कोर्ट की कार्यवाही नियमित रूप से चल रही है, कहना अनिल विज का। ये बहुत बड़ा मामला है, इन्होंने किसान अपने राज में रुला दिए थे सेक्शन 4 सेक्शन 6 लगाकर। किसान बेचारा सस्ते में अपनी जमीन बेच के चला जाता था और फिर बिल्डर माफिया वो जमीन को खरीद लेता था, 4 भी हट जाता था, 6 भी हट जाता था। ये इतना बड़ा कांड हुआ है और इसमें भूपिंदर सिंह हुड्डा जी की भी संलिप्तता है और कुछ अधिकारियों की भी संलिप्तता है, और किसी भी प्रकार से इनके हाथ में अब हरियाणा की चाबी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर हरियाणा की चाबी इनके हाथ में जाती है तो ये तो पता नहीं और क्या करते हैं। लगातार कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, लगातार कोर्ट में केस है।